तो गाइस इस तरह की वीडियो मैं आज तक नहीं बनाता, मैंने आज तक कभी कार रिव्यू नहीं करा, लेकिन मैं आज का पहला अपना कार रिव्यू करने वाला हूँ, इंडिया में नहीं बल्कि थाईलैंड में। आपने इंडिया में एमजी की गाड़ियां देखी होंगी, बहुत सारी गाड़ियां देखी होंगी, हेक्टर देखी होगी, एस्टर देखी होगी, लेकिन मेरे को फैसिनेशन ये देखकर हुआ कि थाईलैंड के अंदर एमजी की कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो रही है। तो क्या आपने कभी एमजी की सेडान देखी है? गाड़ी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी आपके साथ ही कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और आपको दिखाने की। ये देखो एमजी की सेडान है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम इसकी लेने की कोशिश करते हैं। MG5 इस मॉडल का नाम है। हमने ज्यादातर MG के अगर मॉडल्स देखे हैं तो देखे हैं हेक्टर, देखे हैं एस्टर, देखा है जो सबसे ज्यादा चलता है। और अगर इसको अंदर से कैन वी ओपन ओपन इट ओपन ओपन नहीं भाई, आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ के अंदर ना थाईलैंड के अंदर इतनी फैंसी फैंसी और स्टाइलिश कार चल रही है ना, मतलब इंडिया की गाड़ियाँ सारी की सारी फील है इनकी गाड़ियों के सामने। आप ये देखो फोर्ड का मॉडल है जिसके अंदर हम कैब में घूम रहे हैं, और ये फोर्ड का एवरेस्ट मॉडल है और इसको इंडिया में लॉन्च ही नहीं करा गया है आज तक, और इसके अंदर हम थाईलैंड में कैब में घूम रहे हैं। आप मानोगे थाईलैंड में मेजॉरिटी ऑफ कार्स जो कि कैब में चल रही है वो है फॉर्च्यूनर, जो कि हमारे वहां पर एक ड्रीम कार मानी जाती है इंडिया के अंदर। देखो इनके स्पेसिफिकेशंस और इनके कितने इंजन है वगैरह वगैरह, ये देखो मैं उनसे हिंदी में पूछूंगा, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो आप इंटरनेट पे जानकारी ले लेना। मुझे गाड़ियां बड़ी सेक्सी लग रही थी इसलिए मैंने कहा आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी को मैंने थाईलैंड के अंदर बहुत देखा है, ये है एमजी की, और ये भी मेरे ख्याल से एक सेडान कार है। मॉडल ये भी सेम है एमजी MG5, और बेसिकली एमजी हम सबको पता है चाइना की कंपनी है, तो इसीलिए थाईलैंड के अंदर इनका प्रोडक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ये है एमजी की सेडान गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया, और ये गाड़ी देखो अंदर से कैसी है। इसके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन है बहुत ही अच्छी खासी। एक तो यहाँ की गाड़ियों की मैंने खासियत खास बात ये देखी कि ये ना बहुत ज्यादा स्पेशियस होती है, इनकी डिमांड भी काफी है, एमजी की डिमांड थाईलैंड के अंदर काफी है। आप ये वाली गाड़ी देखो भाई, बहुत ही अलग सा मॉडल, बहुत ही अलग सी शेप, 1 2 3 4 5 फाइव सीटर कार है, लेकिन बैक सीट और फ्रंट सीट के हिसाब से कितनी स्पेशियस लग रही है यार। ये भी इलेक्ट्रिक कार है इसकी। थाईलैंड काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया है इनटू स्विचिंग इनटू इलेक्ट्रिक कार्स। इनके यहाँ पर मैंने स्टेशंस भी बहुत देखे हैं ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। गाइस अगर मैं आपको प्राइसेस बताऊं ना इन गाड़ियों की, तो करीब 20 लाख से शुरू होकर 50-60 लाख तक की ये गाड़ियां जाती हैं, जितना कि इंडिया में भी कॉस्ट करती हैं एमजी की गाड़ियां, लेकिन जो स्टाइल और ऑप्शंस ये ऑफर कर रही है ना भाई, और कहीं नहीं मिलते। तो मैं आपका MG की गाड़ियां तो नहीं दिखा पाया क्योंकि 5 बजे ही इनका शोरूम बंद होने का टाइम हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको फोर्ड एवरेस्ट गाड़ी दिखाऊं। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अराउंड पड़ेगी 40-50 लाख की ये गाड़ी। ये वाली गाड़ी एक तो सनरूफ है काफी बड़ी, पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर। दूसरा इसका जो डिस्प्ले है ना भाई, हमारी इंडियन गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ये देखो ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा आईपैड इन्होंने फिट कर दिया। टच जो है ना वो हमारी गाड़ियों की तरह लैग नहीं करता भाई, टच करते ही टच हो जाता है। और इसका एसी फंक्शंस देखो, पर चार्जिंग पोर्ट्स है, यहाँ पर भी एसी बढ़ाने का पॉइंट है, और ऊपर इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ऊपर भी दो वेंट है और पीछे भी दो वेंट है। दो पीछे आपका सिटिंग नहीं है, है ये फाइव सीटर ही, लेकिन इतनी स्पेशियस है कि 5 के 7 बंदे भी आप खुल के बैठ सकते हो। और इसका बूट स्पेस देखो, 400 लीटर की आप लोग बात करते हो ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर तो पता नहीं कितना लीटर बूट स्पेस आ जाएगा। इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक फंक्शन वाली गाड़ी है, दिस इज ऑटोमेटिक ना, या ऑटोमेटिक का। मेरी कंप्लेंट है इन कंपनीज से कि ये लोग इंडिया में कबाड़ा डंप कर देते हैं और बाहर की कंट्रीज में ऐसी सेक्सी सेक्सी गाड़ियां बेचते हैं, दैट टू फॉर वैल्यू फॉर मनी। और दूसरी कंप्लेंट है मेरी इंडियन गवर्नमेंट से कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, वो लोग इतना टैक्सेशन लगा देती है कि आप मान लो यहाँ पर 50 लाख की गाड़ी मिल रही है ना, तो वो इंडिया में इतनी महंगी होगी कि आम आदमी क्या एक अमीर के भी अफोर्ड में नहीं होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर आप ना थाईलैंड में बहुत सारी फैंसी गाड़ियां देख पाओगे, जिसका रीजन अभी हमें परसों पता लगा कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट 1.5% ऑन कार्स, 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर गाड़ियों पर, और आपको कोई भी डाउन पेमेंट भी नहीं देनी, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रखी है। और महीने का 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख, क्योंकि यहाँ पर एवरेज सैलरी इतना है, अगर उतना भी कमाता है तब भी वो आदमी एक महंगी गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट 1.5%। अगर आपको ये गाड़ियां मेरी तरह आपको भी फैसिनेटिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।